1250 आने में ये मत सोचो कि 800 दिन लगेंगे। अगर आपकी टीम हेल्दी है, वेल्दी है, ग्रोइंग है और बड़ी टीम है, तो ये 1250 का जो गणित बता रहा हूँ कि अगर आपका मान लीजिए टीम 6 लाख यूएसडी का बिजनेस हो गया, कितना 6 लाख यूएसडी का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख का। अब 6 लाख यूएसडी का कितना आरओआई डेली जाएगा इन्वेस्टर को, जो लोग लगाए उसका क्या होगा, मिनिमम 0.25 यानी 1500 यूएसडी बटेगा टीम में। आपका हिस्सा कितना होता है, आपका हिस्सा मैं मानता हूँ 20 लेवल में अगर 6 लाख यूएसडी का बिजनेस हुआ, इसका हम अगर 10% ही निकाल ले, 150 यूएसडी पर डे होता है। और 150 यूएसडी अगर मान लीजिए आपका 1250 यूएसडी आपका बनना है, जैसे 500 यूएसडी डाले और 1 लाख का स्लैब आपका टच हो गया, फिर 5 लाख का भी हो गया, तो आपका मिलेगा कितना परसेंट, 300%। 300% का मतलब हुआ कि आपको जो मिलने वाला है 1500 यूएसडी। और तीसरा स्लैब जो कहता है, मैं आपको बता दूं, वहां पे आप 1000 यूएसडी डाल सकते हो, पहला पे 100, दूसरे पे भी 100 एंड एवव, तीसरे पे 500। तो अगर आप देखेंगे 500 एंड एवव है 999 तक, यानी 1000 भी डाल सकते हो आप, 1000 डाल दिए, और 1000 का अगर 3 टाइम करे तो 3000 यूएसडी होता है। इस 3000 यूएसडी को आपको अगर पाना और 6 लाख यूएसडी का बिजनेस है, आपको बता दूं 150 यूएसडी अगर पर डे आएगा तो 20 दिन में 3000 यूएसडी आपको मिल गया। फिर आप 3000 में 2000 साइड कर लो, फिर 1000 डाल दो, फिर 20 दिन में 3000 मिल गया, फिर 1000 डाल दो, फिर 3000 कर लो, क्योंकि आपने जो टारगेट हिट किया है वो वहां पे कैपिंग आपकी हो गई 300% का। यानी उसको खत्म होने से पहले 1000 डाल दो, उसको खत्म होने से पहले 1000 डाल दो। ऐसे अगर सब डाउनलाइन करेगा, सोचिए आपका एक एक दिन में 3000 यूएसडी भी आ सकता है, 2000 यूएसडी आ सकता है, जो आप 800 दिन सोच रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट में वो निकालने के लिए, क्या पता आपको 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में मिल जाए 3 गुना, कुछ भी हो सकता है। आप इस प्लान को जब धीरे धीरे जब आएगा माइंड में, जो चीजें हो रही है, टीम जिसका जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पे आउट बनने वाला है, उतनी गति से आपका इन्वेस्टमेंट जितना मोटा करके रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं 100 DPE से डाल दिए हो गया काम और टीम बन गई है लगभग 20 लेवल पे, तो 20 डायरेक्ट प्लस अपने फंड को। यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी रखनी है, इतनी लिक्विडिटी रखनी है कि 3 टाइम जब हो उससे पहले आपको मेंटेन करके रखना है। कैसे मेंटेन होगा, हर सप्ताह अगर सिस्टम ने 100 DPE से टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, 1 महीने में हमारे पास 400 यूएसडी हो जाएगा, और 400 यूएसडी का हमारा बिजनेस हो गया, प्लस में हमारे पास बिजनेस आएगा। कहां से होगा ये इतने पैसे, कहां से आएंगे 1000 DPE, 1000 टोकन, कहां 1000 यूएसडी के बराबर इन्वेस्टमेंट कहां से करूंगा। मैं आपको बता दूं कैसे होगा, जो आप टोकन फार्मिंग से कमाएंगे वो आपको क्या मिलेगा, PVC में, यानी $1000 का, 1000 यूएसडी का पे आउट बना, इसको 2 पार्ट में बांटा जाएगा, जिसमें से 150 साइड कर लेगा सिस्टम आपका रॉयल्टी, समझिए जिसको आप समझिए कि आपको क्या क्या मिल सकता है, ESI PF रॉयल्टी, ये सारा मान के चलिए कि 15% सिस्टम साइड कर लेता है। जैसे एक जॉब करने वाले का एक ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी में डिफरेंस होता है, ग्रॉस सैलरी में ESI PF, फिर ये आपका जो ग्रेचुटी है वो सारी चीजें होता है, ट्रेवलिंग फंड होता है, सारी चीजें उसमें होता है, और इन हैंड में वो सारा काट पीट के जो बचता है वो मिलता है। तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, उसे पता है कि हमारा परलवाइनर जब पैसा आएगा ना तो सारा पैसा खर्च कर देगा, फिर कैसे ही अमीर बनेगा, हमेशा के लिए अमीर कैसे बनेगा। तो उसने एक सिस्टम लगाया कि 15% जो आप परलवाइन में DPE के बदले हमें दे रहा था, सिस्टम को दे रहे थे, वही 15% आपको सिस्टम आपके लिए सेविंग मोड में डाल देगा। और जब 15% की सेविंग आपके लिए करेगा और 150% उस पर अगर दे दिया तो 22.5% आपको मिलने वाला है, और 22.5% आपको जब मिलेगा टोकन, यानी कि आप ये समझिए कि आपको अगर 1000 यूएसडी का बिजनेस आया, 150 कट गया, 150 के बदले आपका 150 यूएसडी से सीड पार्टनरशिप भी हो गया, यानी सीड पार्टनरशिप भी सिस्टम करवा देगा अपने फंड से और आपके फंड से। सोचिए वो नजारा क्या होगा, आज हमने 50-50 यूएसडी का सीड पार्टनरशिप जैसे तैसे करके किया है, जुगाड़ व्यवस्था करके, सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर दिए।
लेकिन आप समझो जिस दिन 1 करोड़ का पे आउट कमाओगे और 15 लाख USD का सीड पार्टनरशिप हो जाएगा और उसका 50% एक्स्ट्रा यानी 22.5 लाख USD का आपका टोकन मिलेगा और वो 2 साल बाद आप जब देखोगे उस टोकन का रेट 22.5 लाख वाला वो सीधा पता चला वो 4 करोड़ बदल गया। यानी आपका रिटायरमेंट प्लान हमारा PVC मेटा से होगा, जितना गवर्नमेंट जॉब से वो 60 साल में घिसने के बाद नहीं कमाया ना मेरे दोस्त, उतना शायद हो सकता है 2 साल 3 साल में पलवाइन आपको ऐसे बोनस दे देगा, काजे वाजे के साथ रिटायरमेंट दे देगा। इतना आप समझो जब आप रिटायर्ड होंगे तो हमारे अजीत ओझा सर अगर घर आना चाहते हैं राजस्थान तो हेलीकॉप्टर इनके लिए व्यवस्था किया जाए और हेलीकॉप्टर से आएंगे वो जयपुर और दुनिया देखेगी कि अजीत ओझा सर का रिटायरमेंट किस तरीके से हुआ। अंकित उपाध्याय जी का जब ये अपने अयोध्या पहुंचेंगे जहां भगवान की नगरी श्री राम का जन्मभूमि है वहां पे जब वो पुणे से हेलीकॉप्टर लेकर उतरेंगे अच्छा अच्छा आदमी देखकर नतमस्तक हो जाएगा, पेपर में मैगजीन में टीवी में सिर्फ अंकित उपाध्याय जी दिखेंगे कि एक गरीब घर का लड़का एक परेशान लड़का कहां से कहां पहुंच गया। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है दीपक, ये रहता है कहां पे बता दो, वृंदावन में उसका घर है और वृंदावन में जब उसने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर रिजर्व कर लिया, आप सोचिए वो मजाक मजाक में जब हम लोग पार्टी करते थे ना बोलता था मैं हेलीकॉप्टर रिजर्व करूंगा और उसने वो कर दिखाया, पेपर में पूरा फ्रंट पेज पे उसका नाम लिख रहा है कि कोई भी दीपक कुमार नहीं बन सकता। सोचिए कितनी बड़ी सोच है। और मैं भी चाहता हूं कि एक समय में जब मैं बिहार जाऊं और रिटायरमेंट लूं इस दुनिया से कि मुझे अब काम नहीं करना तो भाई हेलीकॉप्टर हम भी जाएं वहां पे लैंड करे, दुनिया देखे, नेता को लोग देखने आते हैं, कम से कम गांव वाले पंचायत वाले तो देखने हेलीकॉप्टर को आएंगे, उनको लगेगा कि कोई दुनिया में एक बंदा था जो नेटवर्क मार्केटिंग से इतना बड़ा काम किया। नहीं तो लोग रिटायर्ड हो जाते पता ही नहीं चलता, लड्डू पूरी खिला के भाग जाते हैं। हम लोग वो काम करेंगे कि आपके पंचायत आपके विधानसभा आपका जिला सब याद करे, आपका डिस्ट्रिक्ट याद करे कि कोई लड़का है, इस तरह से काम करना है। ये दुनिया में सब कुछ मिट जाती है दोस्त लेकिन यादें नहीं मिटती, क्योंकि आपने गाने सुने होंगे यादें यादें तो यादें दोस्तों धैर्य बना के रखें, सागर सर आ जाएंगे, कोई कॉल आया दिखता है। यादें रखना, ऐसी यादें रखना, दुनिया जिस चीज के लिए तरसती है वो आपके पास होगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हाथ लगा है विश्वास कर लो। हनुमान जी तो हूँ बिना चीर के दिखा दू, इस कलयुग में विश्वास दिलाना बहुत टफ काम है। आज भगवान भी अगर दरवाजे पे आ जाए तो लोग उसे बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि ये कलयुग का प्रकोप है मेरे दोस्त। इस कलयुग में जब ये समझिए कि पहचान करना बहुत टफ काम है, जो चमक दमक हो सिस्टम में बहुत ज्यादा प्लान में पैसा बढ़ता है, लोग पागल की तरह वहां पहुंच जाते हैं लेकिन कभी ये कैलकुलेशन नहीं करते वो कितने दिन चलेगा। हमारा सिस्टम का कैलकुलेशन एक एक रुपया उंगलियों पे जोड़ रखा हूँ, एक एक रुपया जहां जहां से मैं जोड़ सकता था वहां वहां से मैंने जोड़ा। हर बार मैं दिमाग में जब आता है बात कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, रात में मैं जोड़ रहा था कितना पैसा ये बांट रहा है 20 लेवल में कितना पैसा बांट रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ना के बरा 20 लेवल में अगर आपको कैलकुलेशन में दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम आपके सामने इस मंच पे MGIT ग्रुप पे जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आप हैरान हो जाएंगे मेरे मित्रों मेरे दोस्तों। ये कैलकुलेशन सिर्फ हमने अंकित उपाध्याय सर के साथ शेयर किया। दूसरी बार यहाँ पे इतने सारे लोग गवाह है, 1075 लोग गवाह है, तो कैलकुलेशन अभी मैं दिखाने वाला हूँ सेकेंड टाइम वो इस प्रकार से है। आप लोग का फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, आप लोग का फोकस कैलकुलेटर पे होना चाहिए। सर मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है सर? यस सर। पहले लेवल पे कितना बढ़ता है बताते जाइएगा, एक एक लोग सब लोग जो को होस्ट है हमारे पहले लेवल पे 20% 20% 18 17 16 15। आप लोग कभी सोचे ये बात? फिर आप कहेंगे आप तो हैं सोचने के लिए, मैं क्यों सोचूं?
कितना हुआ सर? 210। ये 210 किसका? ये 210 किसका? ये टोटल टोटल आपके इन्वेस्टमेंट का, टोटल आपके टीम का। ये 210 अगर सीधा जोड़ोगे तो फेल हो जाओगे। $100 अगर किसी ने डाला और उसका 210% निकालेंगे तो भाई साहब एक ही दिन में दिमाग फेल हो जाता है। लेकिन किसका? 210 है, $100 का 0.25% का, 0.25% का कितना? 210 कितना होता है सर? ये देखिए, 0.25 प्लस 0.25 जो ROI जा रहा है, 0.775 यानी $100 के बदले डेली कितना बट रहा है? 0.775। नॉट ए बिग डील, एक स्मॉल अमाउंट है जो दिया जा सकता है। और हमारे विनोद सर उपस्थित हैं, वो बता सकते हैं कि क्रिप्टो में, फॉरेक्स में 1% ट्रेडिंग से निकाल सकता है इंसान, 1% ट्रेडिंग से निकाल सकता है। मैं 1% मान लूं तो भी हमारा सिस्टम दे सकता है, और आराम से दे। और क्या देता है आपको, मैं आपको आज बताता हूं क्या देता है सिस्टम। सिस्टम आपको क्या दे रहा है? यूएसडी दे रहा है? नो, आपको पीवीसी मेटा दे रहा है। और उस पीवीसी मेटा को कौन कैश करवाएगा? हम और आप। लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा? हम और आप। आपने जो टोकन फार्मिंग में यूएसडी दिया, पीवीसी मेटा दिया, सीट पार्टनरशिप में जो यूएसडी दिया है, आप अपने पैसे को उसी से कैश करवाओगे। सिस्टम एक माध्यम है। कोई भी दुनिया का सिस्टम मेरे सामने लेकर आइए, मालिक नहीं चलाता मेरे दोस्त, उसको सिस्टम की कम्युनिटी चलाता है। और इस पीवीसी मेटा को कम्युनिटी चलाने वाला है, आप और हम चलाने वाले। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सारा सिस्टम पब्लिक के बीच में होगा और पब्लिक इसे चलाएगा। आज बिटकॉइन को कौन चला रहा है आपको पता है? कौन चला रहा है? पब्लिक, कम्युनिटी। इस पर्लवाइन को भी पब्लिक चलाएगा। ऑर्गेनिक मार्केट और पर्लवाइनर मिलकर चलाएंगे। ये आपकी कम्युनिटी है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका पीवीसी मेटा है। इस चीज को आप समझिए, जितना जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा मालामाल होगे। क्योंकि अब जो होन बताने वाला हूं कि जैसे ये विड्रॉ छूटा ना 20 दिन के अंदर, आपके पास 20 दिन समय है, मात्र 20 दिन। 20 दिन में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि 20 दिन के अंदर 1000 टोकन आपके पास होना चाहिए, 1000 टोकन। उसके बाद आप रुक गए, क्योंकि 1000 टोकन अगर 20 दिन के अंदर आ गया तो विड्रॉ जैसे ही छूटेगा वैसे ही टोकन का रेट बढ़ने वाला है। और जब टोकन का रेट बढ़ने लगा तो ये समझो आप संभाल नहीं पाओगे। फिर पता चला 15 BUSD का हो गया और आपका 100 BUSD का विड्रॉ मारे 3, 4, 5, 6 टोकन मिला, और अभी कितना मिल रहा है? अभी 15-20 मिल जाएगा, आप समझो। इसलिए मैं कहता हूं जितना दिन ये सिस्टम खामोश है विड्रॉ को लेकर, जितना दिन ये टोकन फार्मिंग का खामोशी है, उतना दिन में आप बना लो। जैसे ही खुला वैसे ही अपने आप को रोक नहीं पाओगे, ये आप समझ लो। तो आप लोग के लिए इशारा काफी है जो मैं बताया हूँ कि आप लोग पीवीसी मेटा ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में बना, 20 दिन में बना लो आप, जितना बना सकते हो। भविष्य में भी बनाओगे लेकिन स्लो। अभी जितना ज्यादा आएगा उतना बाद में नहीं आएगा, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए MGRD ग्रुप पे उपस्थित 1070 लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, 20 दिन छुट्टी ले लो अगर नौकरी कर रहे हो। 20 दिन में कम से कम डेली का 5 प्लान करो, 5 लोग को सीट पार्टनरशिप करवाओ, टोकन फार्मिंग, 5 लोग, 20 लगाओ, 20 दिन में भी बचे 100 लोग की टीम हो जाएगी। और 100 लोग की टीम अगर हो गई तो लगभग आप समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसलिए समय ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से इस MGRD ग्रुप को प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच अजीत सर, थैंक यू सो मच अशोक सर, शंभू सर, सुभाष सर, अंकित सर, विनोद जी, बलदेव सर, हमारे पृथ्वी सर, अभय राज सर, सोनिका शर्मा मैम, विष्णु जी, सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव पलवाइन। जय पीवीसी मेटा, जय पीवीसी मेटा, जय पलवाइन। थैंक यू सो मच।
जून में आएंगे। सुपर सुपर।